हेलो फ्रेंड्स, मैं उदीपक शर्मा आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में जो देखने वाले हो है इलेक्ट्रिकल चेन होस्ट, इसका वायरिंग करेंगे, रोपवे कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, और केबल कैसे फिट करते हैं वो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है ये 3 फेज हमारे पास है, जो दो टर्न का है इसका कैपेसिटी, वो जो रुपये दिख रहा है उस साइड का एक बांधा गया है और एक जो है इस साइड में बांधा हुआ है, जो ये बंदे आपको दिख रहा है सामने में इस साइड में लगा हुआ है। वायर लगाने के लिए इसमें एक क्लैंप लगा रहता है, जो रुपये क्लैंप बोला जाता है, उसको कैसे फिट किया जा रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। इसको क्या है रुपये दिखा, अगर रुपये में अगर नहीं लगा रहे डायरेक्टली आप, तो इसको क्या करते हैं लगाने के लिए, ये क्लैंप जो दिया गया है उसको फोल्ड करके मीन्स बाहर निकाल लेंगे, और ये बाहर निकालने के बाद से रोपवे में जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है, रोपवे में लगाना रहता है। ये कैसे लगाना जाता है, जैसे मैं इसको निकाल दिया मैं बाहर, फिर उसके बाद से इसका पिन निकालने के बाद से ये पिन निकाल देंगे बाहर, उसके बाद से ये व्हील है जैसे रोपवे पे घूमते रहता है, ठीक है, ये घूमते रहता है और क्या है ये फिक्स होता है। अगर आप रोपवे को अगर पहले नहीं लगाएं तो इसको खोलने के बाद से इसको सेट करेंगे डालने के, रुपये में लगाने के बाद से ये व्हील लगा के फिर जो प्लग है वो सब कुछ सेट कर देंगे, और उसके बाद से इसको लॉक लगा के फंसा देंगे। जैसे मैं आप ऊपर देख रहे हैं कि लगाया गया है, क्योंकि रुपये मैंने ऑलरेडी पहले से ही फिक्स कर दिया था, इसके वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। अगर रुपये आप नहीं लगाते हैं तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे रुपये का जितना आपको लगाना उतना लगा लीजिए, ऐसे लगता है 1 से 1.5 मीटर के बीच में एक लगाते हैं। जैसे ये रुपये आपको देख रहे हैं, इसको क्या है क्लैंप से अच्छे तरह से फिट किए हैं, ताकि कितने भी फोर्स पड़े तो ये लूज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर लूज हो जाता है तो ये क्लैंप जो है इसको क्या करते हैं घुमाते हैं, इससे क्या होता है एडजस्ट करने का रहता है कि हम चाहे जितना उतना एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ रहता है, मतलब 100 mm तक 50 mm तक रहता है कि अगर लूज रहता है तो हम टाइट कर सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है, तो जितना आपको टाइट चाहिए आप उससे भी टाइट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है क्लैंप लग चुका है वायर क्लैंप में, अब इसको वायर को जो क्या करते हैं नीचे फिटिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब वो फिटिंग करने के लिए क्या है कि ये तो मान लीजिए वायर पतला है तो फिटिंग कैसे करेंगे, तो वाशर टाइप का कुछ भी लगा कर आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये रहेगा आपको 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में रहेगा, मतलब गैप रह सकते हैं, मतलब एक आप जो लगा रहे हैं तो सेकेंड वाला 1 मीटर पे या 1.5 मीटर पे लगा लीजिए, आपको ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको मोटर के साइड में इसका कनेक्शन करना है वायरिंग का, इसको फिट करने के बाद, ठीक है। तो मैंने अभी फिट कर लिया है, अब क्या है कि वायरिंग इसका कर देता हूँ, कि जो वायरिंग करना रहता है इसमें 3 फेज का है तो 3 फेज है, पर आपका जो ईओटी होगा, इसको ईओटी भी बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चैन होस्ट में, इस साइड में क्या है अर्थिंग भी रहता है, तो आप अर्थिंग चाहें तो दे सकते हैं तो बहुत बेटर रहेगा, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो है फिटिंग देखिए, जैसे आपको अभी दिख रहा है ना, ये फिटिंग है, ये वाशर है, ठीक। अब आपको जब फिटिंग करते टाइम में इसका वाशर सेट कर सकते हैं, जितना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़े तो निकाल सके, जिस साइड वाशर लगाना होगा उस साइड लगा सकते हैं, अगर जिस साइड से वाशर निकालना उस साइड से वाशर आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अभी इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, अगर नेक्स्ट वीडियो एक इसको भी बना दूंगा कैसे इसका सेटिंग किया जाता है। अभी मैं वायरिंग कर देता हूँ। वायरिंग में क्या होता है कि इसमें दिया रहता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं ट्रॉली बोलते हैं, ठीक, ये ट्रॉली हो गया, ये अपना नीचे वाली जो है इलेक्ट्रिक चैन होस्ट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पे चलता है, ये सिर्फ अप डाउन के लिए है, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए नहीं है, ठीक। इसमें क्या होता है RST होता है वायरिंग में, जैसे RYB होता है, UVW होता है, वैसे ही RSTV होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। अब कनेक्शन कर देंगे तो क्या होता है ना, इसमें अगर रॉन्ग कनेक्शन होगा तो ये बिल्कुल भी चलेगा ही नहीं, कितना भी हम लोग प्रेस करेंगे वो चलेगा नहीं। तो क्या है कि आप फेस चेंज कर दीजिएगा, अगर आपका नहीं चलता तो एक बार फेस चेंज करके चेक कर लीजिएगा कि कैसे चल रहा है कि नहीं है। अगर चल जाता है तो अगर रिवर्स में घूमता है तो फिर से फेस चेंज करना होगा। अब इसको क्या है टाइट करने के लिए आप क्लैंप भी मार सकते हैं, ताकि जब भी क्लैंप रहेगा ना तो वो खींचते रहता है, जब इलेक्ट्रिक चैन अपना चलता है ये तो भी चलेगा तो वायर भी खींचता है, इसलिए उसको बांध दीजिएगा क्लैंपिंग करके, ठीक। ये मैंने कनेक्शन कर दिया है, अब इसको मैं चलाता हूँ कि कैसे चल रहा है, फॉरवर्ड रिवर्स चेक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको देख रहा है कि मैं आपको यहाँ पे क्या है रिमोट है, ठीक है। अब इसमें जो पुश बटन है उसको आपको बता देता है, ये जो है रेड वायर ऑन है, ठीक है,
तो अगर ऑन जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक ऊपर डाउन नहीं काम करेगी, ये इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी प्रेस कर दिए हैं आप, इसके बाद से ऑन करना ही पड़ता है। अगर ऐसे अप डाउन हम लोग कितना भी प्रेस करेंगे तो अप डाउन नहीं होगा, पर जैसे ही ऑन को एक बार प्रेस कर दिए उसके बाद से अप डाउन करेंगे तो देखिए अप डाउन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब एक बार इमरजेंसी लग गया तो अप डाउन करना ही करना है, ये अनिवार्य है। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये काम करेगा ही नहीं करेगा। तो इस बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस बातों को भी ध्यान रखेंगे तो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं यही तो हम लोगों को परेशान हो जाएंगे फालतू में ही, ठीक है। तो ये अपना देख रहे हैं कि अच्छे से अभी चलना स्टार्ट हो गया है पूरा, डाउन करो, जैसे वायरिंग किया जाता है वो भी समझ गए, डाउन RST करो, इसमें लिखा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलो बेल ठीक है आइकन भगवान को जी, जरूर प्रेस करिएगा। तब तक लिए जय हिंद ओके। दोस्तों।